अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद शराब के खिलाफ अभियान तेज हो गया। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य के 38 में से 26 जिलों में शराब की बरामदगी हुई। एक दर्जन जिले ऐसे रहे जहां से मंगलवार को एक बूंद शराब की बरामदगी नहीं हुई। इसमें अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, जमुई, किशनगंज, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर और वैशाली जिले शामिल है। राज्यभर में अवैध शराब को लेकर 359 छापेमारी की गई। इसमें 6000 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई। इसमें 1765 लीटर देसी जबकि 4319 लीटर अंग्रेजी शराब रही। सबसे अधिक 2367 लीटर शराब भभुआ में जब्त हुई। इसके अलावा पूर्णिया में 1800 लीटर, पूर्वी चंपारण में 745 लीटर, नवादा में 141 लीटर व लखीसराय में 135 लीटर शराब की बरामदगी हुई। पटना में महज 80 लीटर शराब मिली। इसके अलावा अन्य जिलों में शराब बरामद की गई। शराब के खिलाफ कार्यवाही में राज्यभर में 44 प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें 33 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। शराब की तस्करी में शामिल 11 वाहनों को जब्त किया गया, जिसमें 3 ट्रक व अन्य 4 पहिया वाहन थे। राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस की कार्यवाही में भी बड़ी संख्या में शराब तस्करों पर कार्यवाही हुई। पुलिस मुख्यालय के अनुसार 13 से 15 नवंबर के बीच राज्य में शराब की 21 भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा 325 कांड दर्ज कर 383 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीन दिनों में लगभग 16,663 लीटर शराब पकड़ी गई है। इस दौरान 70 वाहनों को जब्त करते हुए करीब 63,500 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन में है। न्यूज़ तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।